हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 15 मार्च। तो 15 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 14 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 15 मार्च के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो कल का आपका टेस्ट था जो वो था कि स्वदेश निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इस रॉकेट प्रणाली पिनाका का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ना, ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के अंदर कहाँ, तो राजस्थान के अंदर पोखरण में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 15 मार्च के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व किडनी दिवस है या फिर कहें जो वर्ल्ड किडनी डे है, ये हाल ही में 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। देखिए, ये जो दिन है ना, ये ऐसा नहीं है कि हर साल ही 14 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन 2019 में 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वैसे तो हर साल ये जो दिन है ये मार्च के दूसरे थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च के मंथ में जो दूसरा थर्सडे पड़ता है तब इस दिन को मनाया जाता है, और इस बार मार्च का जो दूसरा थर्सडे है ये 14 मार्च को पड़ा है 2019 में। तो 14 मार्च को इस बार सेलिब्रेट किया गया विश्व किडनी दिवस। और अगर ये दिन 2019 में मनाया गया है तो आपको इसका थीम भी याद रखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, तो इसका थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। फिर से रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लीजिए, इसका थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अब इसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो लोगों को किडनी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में जागरूक करने के लिए और किडनी के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये दिन पहली बार कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम, तो ये दिन फर्स्ट टाइम 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। अब इसके बाद मार्च के मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए अब तक वो रिपीट करने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो फर्स्ट मार्च को याद रखना है। फर्स्ट मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आपको याद रखना था 3 मार्च, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट याद रखना है आपको 7 मार्च, तो 7 मार्च को भारत में जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद लास्ट आपको याद रखना है 8 मार्च, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। और उसके बाद आपको 14 मार्च याद रखना है, तो 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। सो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से शुरू किया गया। तो हमारे भारत और ओमान देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है अल नगा थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका, अल नगा थर्ड है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम। और देखिए, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, ये किस किस के बीच में शुरू किया गया, यानी कि भारत की तरफ से हमारी जो भारतीय सेना है उसके बीच में और ओमान के जो रॉयल आर्मी ऑफ ओमान है उनके बीच में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस साल यानी कि 2019 में ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ओमान के अंदर निजवा
ओमान के अंदर निजवा में इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जैसा कि क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है कि इसके संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम से क्लियर हो रहा है कि ये इस साल का तीसरा इस बार जो ऑर्गेनाइज किया जाए 2019 में ये युद्ध अभ्यास है, ये इसका तीसरा संस्करण है। इससे पहले इसके दो संस्करण ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। वो कब ऑर्गेनाइज हुए हैं और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं ये बताती हूँ। तो इसका जो पहला संस्करण था ना इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का, अल नगा फर्स्ट जो था, वो 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था। वो भी ओमान में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, ओमान के अंदर मस्कट में इसका पहला संस्करण ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसका जो दूसरा संस्करण है ना वो 2017 में ऑर्गेनाइज हुआ था। 2017 में कहा तो हिमाचल प्रदेश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था भारत के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको ओमान के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मागडेरिया जो है ओमान है, इसकी कैपिटल है मस्कट, करेंसी है रियल, और ओमान के जो सुल्तान है उनका नाम है कबूस बिन सैयद अल सैयद। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आज का, वनडे क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा, हमारे भारत के बल्लेबाज हैं ये। और ये हाल ही में क्रिकेट में वनडे ओडीआई क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। पहले दो खिलाड़ी कौन है दुनिया के वो बता देती हूँ। तो पहले हैं विराट कोहली, दूसरे हैं ए वी डिविलियर्स। विराट कोहली हमारे भारत के क्रिकेटर हैं ये आप लोगों को पता है, और जो ए वी डिविलियर्स हैं ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। इन्होंने 182 पारियों में ये 8000 रन पूरे किए थे, और जो विराट कोहली हैं इन्होंने सिर्फ 175 पारियों में ये 8000 रन पूरे किए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको रोहित शर्मा जी के बारे में नोट करनी थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 है इसे हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम है ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गेम्स 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और इस गेम्स में ना 195 देश के लगभग 7500 से अधिक जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस गेम्स में ना टोटल 24 जो ओलंपिक गेम्स हैं उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ऐसा पहली बार है जब इसे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स को पश्चिम एशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसे पहली बार पश्चिम एशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और यूएई की करेंसी है दिरहम। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है खलीफा बिन जयाद अल नहयान, और यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन 6 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड कंपनी है ये हाल ही में इन्होंने अपना 6 ट्रिलियन का जो बाजार पूंजीकरण है, जो मार्केट कैपिटल है, उसका आंकड़ा पार किया है, और ये इस आंकड़े को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। पहली दो भारतीय कंपनीज कौन सी हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको अपनी नॉलेज के लिए। तो पहली कंपनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और दूसरी कंपनी है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। HDFC के बारे में पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ आपको, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। देखिए जो HDFC बैंक है ना इसका स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। मुंबई आप लोगों को बहुत बार मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, ठीक है। और HDFC बैंक के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है उनका नाम है श्यामाला गोपीनाथन, और इसके जो MD है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है आदित्य पुरी। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है टैगलाइन, तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर
वर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो हाल ही में देखिए जो वीरता पुरस्कार है ये वितरित किए गए हैं, और ये पुरस्कार वितरित किए हैं रामनाथ कोविंद जी ने। रामनाथ कोविंद जी कौन है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने हाल ही में देश की सेवा, सुरक्षा और मानवता की रक्षक जो हमारे सैनिक करते हैं उन्हें ये वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। और देखिए इस वीरता पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं ये बताती हूँ। तो इस बार इस वीरता पुरस्कार के नाम पर 3 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, उसके बाद 25 अति विशिष्ट सेवा पदक, उसके बाद 15 परम विशिष्ट सेवा पदक और 1 उत्तम युद्ध सेवा पदक ये वितरित किए गए हैं, सैनिकों को दिए गए हैं। और ये जो पदक है ये क्यों दिए गए हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उन सैनिकों को, उन वीर सैनिकों को ये पदक प्रदान किए गए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया हो, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी हो, उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे मैं बता दूँ कि जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ है ना, बहुत बार मैंने उनका नाम आपको बताया है, उनका नाम है जनरल विपिन रावत, उन्हें हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किन्हें दिया गया है परम विशिष्ट सेवा पदक? उनका नाम है जनरल विपिन रावत, जो कि हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं। सो, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य को कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल के लिए पहला केंद्र मिला है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को कैंसर के जो मरीज हैं उनकी देखभाल करने के लिए, उनके विशेष इलाज के लिए पहला केंद्र मिला है। अब ये जो कैंसर केंद्र है ये जम्मू कश्मीर को मिला है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें 6, राज्यसभा की सीटें 4, विधानसभा की सीटें 87। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वह है धूमल और कूद डांस, और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है द चिंगम नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको नोट करनी थी जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने किस देश के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता देने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल के बुनियादी ढांचे के दोबारा से निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। और ये जो दान है ये क्यों दिया जाएगा नेपाल को? तो नेपाल में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत को दोबारा से निर्माण करने के लिए इसका ये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जा रहे हैं नेपाल को। नेपाल को ये अमाउंट दी जा रही है, तो नेपाल के बारे में आप डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ पर है नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी, और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी जी, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है खड्गा प्रसाद ओली। सो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अमेरिकी सैन्य बल ने भारतीय NSG के साथ संयुक्त अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो हमारी अमेरिकी सेना बल ने हाल ही में भारतीय NSG यानी कि NSG की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो हाल ही में अमेरिकी सैन्य बल और भारतीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया, और ये जो संयुक्त अभ्यास है ना इसे कहाँ पर शुरू किया गया? तो हैदराबाद में शुरू किया गया। हैदराबाद कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में इसे शुरू किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है यानी कि DG कौन है? तो उनका नाम है सुदीप लखटकिया। सुदीप लखटकिया है हमारे प्रेजेंट में NSG के DG। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WGC के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े सोने के भंडार की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देश का नाम है अमेरिका।
हाल ही में WGC ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने बताया कि सबसे बड़े सोने के भंडार की सूची में जो देश पहले स्थान पर है वो है अमेरिका। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन है ये भी बताते हैं। तो दूसरे स्थान पर इस रैंकिंग में है जर्मनी, तीसरे स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि हमारे भारत, और तीसरे स्थान पर मैंने आपको बता दिया कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो हमारा भारत कौन से स्थान पर, तो हमारा भारत 11th रैंक पे है इसमें। WGC के बारे में बताती हूँ, इसकी फुल फॉर्म देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। और जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1987 में, हेडक्वार्टर इसका यूके के अंदर यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है डेविड हरक्विल। और इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है डेविड टेट। आप अमेरिका के बारे में जरूर नोट कीजिए, यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन, इसकी करेंसी है US डॉलर। और जो प्रेसिडेंट है ना उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य के थिरुबनम रेशमी साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया। तो जो थिरुबनम रेशमी साड़ी है इसे हाल ही में GI टैग मिला है। और ये किस राज्य की फेमस है, तो ये तमिलनाडु की फेमस है, ठीक है। और हाल ही में मैंने तमिलनाडु से रिलेटेड शायद एक आप और करंट अफेयर पढ़ाया कि तमिलनाडु की इरोड हल्दी को भी GI टैग मिला है ना, थोड़े दिन पहले बताया था आपको। और यहाँ पर सबसे पहले तो GI के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, इसकी फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जो मैंने बहुत बार आपको बताया कि GI टैग ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पर या फिर उनका उत्पाद किया जाता है या फिर वो किसी पर्टिकुलर जगह के फेमस होते हैं और या फिर उन प्रोडक्ट्स में कोई विशेषता होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। और अब तक हमारे भारत के 328 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। कुछ प्रोडक्ट्स तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़े हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको बता दिया कि तमिलनाडु की इरोड हल्दी है जिसे GI टैग मिला है, उसके बाद केरल का मरियूर गुड़ है जिसे GI टैग मिला है, और कर्नाटक की सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। इसके बाद कुछ हमने पिछले साल पढ़े थे 2018 में, जैसे कि बिहार की शाही लीची को GI टैग मिला था और महाराष्ट्र के अल्फांजो आम को भी GI टैग मिला था, ठीक है। इतने प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट नोट करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकती है कि हमारे भारत का पहला उत्पाद कौन सा था जिसे GI टैग मिला था। तो हमारे भारत का जो पहला प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला था वो है दार्जिलिंग चाय, जिसे 2004 में GI टैग दिया गया था। तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एडापड़ी के पालानी स्वामी, और जो गवर्नर है ना उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी। और तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18 और विधानसभा की सीटें 234। और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है भारतनाट्यम, और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि हाल ही में LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं। सो उनका नाम है MR कुमार, ये जो आपको पिक्चर में दिखा रही है MR कुमार जी, जो कि हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि MR कुमार जी से पहले LIC के चेयरमैन कौन थे, तो इनसे पहले थे VK शर्मा। VK शर्मा की जगह ली है MR कुमार जी ने। देखिए इसी के साथ साथ LIC ने कुछ लोगों को और भी नियुक्त किया है अपनी कंपनी में, जैसे कि जो TC सुनील कुमार हैं इन्हें, और जो विपिन आनंद है, इन इन दो लोगों को LIC ने अपने प्रबंधक निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। LIC के बारे में नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म बहुत बार आपको पता भी होगा, मैं बता भी चुकी हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इसकी फुल फॉर्म। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है, बहुत बार बताया आप लोगों को, तो मुंबई महाराष्ट्र में है मुंबई। और LIC की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई है, याद रख लीजिए LIC के बारे में। और इसके चेयरमैन कौन है, अभी बताया मैंने आपको MR कुमार। और इसकी टैगलाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है टैगलाइन, बहुत बार बताती हूँ मैं आपको, तो नोट कर लीजिए। इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बहुत बार सुना ही भी होगा आप लोगों ने। सो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी थी। और ये थे आपके 15 मार्च के करंट अफेयर्स। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है वो ये है
कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल का खिताब किन्होंने जीता है, उनका नाम बता देंगे आप लोग, ठीक है? और जो जीते हैं उन्होंने फाइनल्स में हराया किसे, उनका नाम भी बता देंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पुरुष एकल का खिताब तो आप बता देंगे, बट महिला एकल का खिताब भी तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जीता है, वो भी बताना है आपको, प्लस इंग्लैंड के बारे में बताना है यानी कि यूके के बारे में। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।